हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूंगी वो देखिए, मैंने तोड़ी है अपने किचन गार्डन से। तो ये हमारी लगी हुई है तोरी की बेल, ये देखिए। तो इससे मैंने सुबह सुबह देखिए ये ताज़ा ताज़ा तोरी तोड़ ली हैं और इनकी अब हम बनाएंगे सब्जी। इसकी जो रेसिपी है बिल्कुल देसी रेसिपी है, तो चलिए इसकी सब्जी हम बनाते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, ये जो तोरी है इनका छिलका उतार के हमें इनको काट लेना है। तो चलिए मैं काट लेती हूँ इनको। ये तोरी देखिए सारी मैंने काट ली है, छिलका इनका उतार के ना। तो अब बनाते हैं हम सब्जी। अब तोरी की सब्जी बनाने के लिए मैंने लिया है सरसों का तेल, और सरसों के तेल को गर्म कर लिया है। गर्म होने के बाद इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा जीरा। जीरे को हल्का सा ब्राउन कर लेते हैं। ये देखिए, ये मैंने डाल दी प्याज, लहसुन और हरी मिर्च। अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से ब्राउन कर लेना है। देखिए प्याज हमारी हो गई अच्छे से ब्राउन। तो अब बारी आती टमाटर डालने की। तो ये डाल दिया है टमाटर, और टमाटर को अभी हम प्याज के साथ पका लेते हैं। टमाटर जो है हमारा वो भी पक गया है। तो अब इसमें डाल देते हैं मसाले। मसालों में मैं डाल रही हूँ 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर। इसके साथ ही हमें डालनी है हल्दी। तो 1 टीस्पून मैंने डाली है इसमें हल्दी, और 1 टीस्पून ही हम डालेंगे इसमें लाल मिर्च। वैसे हमने हरी मिर्च भी डाल दी है, तो सब्जी के अकॉर्डिंग आप इसमें लाल मिर्च डालिएगा। अब इन मसालों को भी हमें प्याज टमाटर के साथ पकाना है। नीचे लगे ना इसलिए गैस को हमें मीडियम करके मसालों को पकाना है। ये मसाले भी देखिए हमारे अच्छे से पक चुके हैं। तो अब बारी आती है तोरी डालने की। ये देखिए जो तोरी काट के रखी थी वो सारी हमें डाल देनी है। ये बिल्कुल नेचुरल तोरी है, बिना खाद के पकी हुई। ये मेरे घर में ही बेल लगी है उसकी तोरी है। तो इसकी जो सब्ज़ी होती है बहुत ही टेस्टी बनती है, और वैसे भी बहुत ही हेल्दी होती है। तो अगर आपके बच्चे तोरी ना खाते हो तो एक बार आप इस तरीके से तोरी की सब्ज़ी बनाकर देखिएगा, आपके बच्चे बिल्कुल खाएंगे। लास्ट में एक सीक्रेट बताऊँगी, उसका टेस्ट ही सब्जी को बढ़ा देता है, बहुत टेस्टी सब्जी बनती है। ये डाल दिया है स्वाद के अनुसार नमक। नमक डालने के बाद सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। और इस तोरी में मैं बिल्कुल भी पानी नहीं डालूंगी, तोरी की बिल्कुल सूखी सब्जी बनाऊंगी। तोरी में थोड़ा पानी होता है तो अपने आप ही पानी से गल जाएगी। तो इस तरह से आप सब्जी बनाइएगा। अब मीडियम फ्लेम करके ना हमें सब्जी को ढक के पकाना है। देखिए हमारी टेस्टी सी तोरी की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। सिर्फ 5 से 7 मिनट लगे हैं। तो अब बताती हूँ एक सीक्रेट तरीका, जो जिससे बच्चे आराम से तोरी की सब्जी खाएंगे, टेस्ट ले लेके ना। तो ये मैंने डाली है बिल्कुल फ्रेश मलाई। मलाई से क्या होता है कि जो सब्जी का होता है तोरी की सब्जी में थोड़ा सा खट्टा मीठा सा टेस्ट आने लग जाता है, क्रीमी सी हो जाती है, जिसको बच्चे बहुत चाव करके खाते हैं। पहले मेरे बच्चे भी नहीं खाते थे, लेकिन जब से मैं इस तरीके से सब्जी बनाने लगी हूँ मेरे बच्चे शौक से खाते हैं। तो अगर तोरी खिलानी है बच्चों को तो आप इस तरीके से सब्जी बनाइए, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है और 5 से 7 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। तो ये देखिए कितनी क्रीमी सी सब्जी बनकर हो गई है तैयार। तो इस तरीके से आप भी तोरी की सब्जी बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।